भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय सामाजिक समागम कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जुटे समाज के प्रमुख, इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा संभाग स्तरीय सामाजिक समागम एवं समाज के प्रमुख जनों का सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को दुर्ग के सिविल लाइन स्थित गोंडवाना भवन में किया गया, जिसमे कम जनसंख्या विभिन्न जातियों एवं पिछड़े वर्ग में आने वाले समस्त जातियों के लोगों एवं समाज प्रमुखों को एक स्थान पर एक समूह में लाकर जोड़ने का भरसक प्रयास किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में सैकड़ों की भीड़ नजर आई, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा अपनी पूरी कमरकस तैयारी कर ली है। आज हुए इस कार्यक्रम के मंच पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले सभी समाज प्रमुखों को मंच पर स्थान देकर उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज प्रमुखों सहित राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल रहे और अपना उद्बोधन भी दिया और भाजपा की मजबूती बनाए रखने आह्वान भी किया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज दुर्ग संभाग में सामाजिक सगाम का कार्यक्रम रखा गया है, और जिसमें आज इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी और साथ ही हमारे महामंत्री आदरणीय संगम गुप्ता जी और हमारे प्रभारीगढ़ सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में और इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं और जो सर्व समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वो सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए और इन समाज प्रमुखों को बुलाकर उनका सम्मान करते हुए उनसे आग्रह करने के लिए कि 2023 के चुनाव में आप सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।